दमोह जिले के नोटा थाना अंतर्गत आने वाले डूमर गांव के निवासी एक युवक के साथ करीब 49,000 रुपए की लूट हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक डूमर गांव निवासी सुरेंद्र सिंह जब अभाना के बैंक से 49,000 रुपए निकाल करके अपने गांव जा रहा था, उसी दौरान डूमर गांव के करीब 17 मील के पास गांव से करीब 4 किलोमीटर पहले दो नकाबपोशों द्वारा उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। ग्रामीण युवक के साथ मारपीट की घटना को तथा उसे धारदार हथियार से हमला किए जाने का मामला किया गया। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं युवक के द्वारा इस मामले की इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है नोहटा पुलिस थाना में, जिस मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है और एडिशनल एसपी ने इस विषय में और पीड़ित व्यक्ति ने इस विषय में विस्तार से जानकारी दी। सर, मैं अभाना स्टेट बैंक में अपने पैसे निकालने के लिए गया था, तो वहाँ पर से मैं पैसे निकाल कर वापस आ रहा था गांव अपने, तो मैं 17 मील से होकर अपने गांव जा रहा था। तो यहाँ पे 17 मील से आगे 4 किलोमीटर सिद्ध महाराज के वहाँ पर दो अज्ञात लोग आए। चलती मैं 50 की रफ्तार पर गाड़ी चला रहा था, तो चलती गाड़ी में उन लोगों ने मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली और एक लड़का उतर कर आया, वो मुँह में काला वो बांधा था वो गमछा सा, और वो एक छुरा और एक कट्टा लिए, उसने पहले तो छुरा मारा एक जगह पर, फिर दोबारा फिर मारा तो पकड़ लिया मैंने, तो हाथ में चोट आ गई। एक दूसरा लिपड़ के मेरे पैंट के जेब में से 3 गड्डी थी, दो सौ की थी और 100 की थी, उसमें 90 नोट थे, वो छीन कर भाग गए। कहाँ के हो आप? ग्राम डूमर के। कहाँ चोट आई है? चोटे ये है उंगली में, छुरा गला है। फिर इसकी जानकारी आपने किसको दी थी? 100 नंबर पर दी थी। क्या नाम है? सुरेंद्र सहलूटी। कहाँ के हो? डूमर। अकेले थे कि आपके साथ में और कोई था? मेरे साथ में एक गांव के थे। कौन था? विदाद अकड़ोरी। और जो आपके मतलब लूटने के लिए आए थे वो कितने लोग थे? वो भी दो लोग थे। नकाब बांधे हुए थे? नकाब नहीं, वो टोलिया अपने ये देहात में बोलते हैं। कौन सी गाड़ी थे वो लोग? गाड़ी पूरी देख नहीं पाई क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं लिया उन लोगों ने, और पीछे से लाल गाड़ी थी न्यू, उसमें कोई नंबर नहीं था। बाइक थी कि कार थी? बाइक। ठीक। आज सुरेंद्र सिंह लोधी जो डूमर गांव का रहने वाला है, आज रवाना बैंक से पैसे निकाल कर अपने गांव जा रहा था, तो रास्ते में दो अज्ञात बदमाशों ने उसके साथ घटना कारित की है, और जो पैसा वह बैंक से निकाला था उसको छीन कर भाग गया। थाना नोटा में अपराध पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में आगे जो भी साक्ष्य आएगी उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।